10 फरवरी से किसानों के दिली कूच को लेकर हरियाणा प्रशासन ने लगभग सभी बॉर्डर्स को सील कर दिया था। धीरे धीरे बॉर्डर को खोलने का काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अब इसी के मद्देनजर किसान आंदोलन के चलते बंद किया गया अम्बाला से चंडीगढ़ जाने वाला एक रास्ता खोल दिया गया है। बॉर्डर बंद होने के बाद इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय निवासी सरकार से अपील कर रहे थे कि इस रास्ते को जल्द खोल दें। जनता की अपील को देखते हुए प्रशासन ने सोमवार को इस रास्ते को खोल दिया। रास्ता खोलने से जनता को काफी राहत मिली। बॉर्डर बंद होने से अम्बाला से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को घूमकर वाया बरवाला, रामगढ़ और पंचकुला से जाना पड़ रहा था। एक तरफ जहां लोगों का समय ज्यादा लगता था तो वहीं जाम की भी स्थिति बनी रहती थी। लंबा रास्ता तय करने से लोगों का खर्च भी बढ़ गया था। ट्रांसपोर्ट वाले ट्रकों का तेल ज्यादा लगने से सब्जी और फल के दाम बढ़ गए थे। वहीं दूसरी ओर रास्ता खुलने से भी राहगीरों को ज्यादा राहत नहीं मिली, बल्कि एक लेन खुलने से जाम की स्थिति और बन गई। अब लोगों की मांगे पूरी तरह रास्ते को खोल दिया जाए। ये दोनों रास्ते खोलने चाहिए पूरे या चलन गए कुछ गड्डिया रुकिया में जड़ी और सारी साफ हो गई। इतनी दिक्कत आवेगी या रास्ता पूरा खुलेगा फिर ठीक होगा। ये रास्ता पूरा नहीं खुलता इन्ना कुछ नहीं होता। एक लाइन नलता जाम हो रहा साडे पिंड फिर वही हाल हो गया। उदो के साडे पिंड शाम तक ठीक नहीं था हुआ बुरा हाल हो गया। फिर जा यार 5-10 मिनट लगा वहां आधा पौना घंटा लग रहा है यार आने जाने में। तो मतलब दिक्कत तो है ही है यार कि जहां सीधे आ जाए घूम फिर का 5-7 किलोमीटर के डब्बा गाना पड़ रहा है यार। जाम तो है ही यार बड़े भाई। जहां मोटरसाइकिल निकलना वहां गड्डियां आ रही है यार। बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है कहीं। वो तो है ही भाई यार दिक्कत हो रही है यार। जिस दिन लगा ट्रैफिक उसकी उस दिन की ज्यादा दिक्कत आ रही है वैसे। गौरतलब है कि 13 फरवरी से पंजाब के किसान संगठन दिल्ली कूच करने के लिए अड़े हैं। उन्हें दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने अम्बाला के शंभू, सदोपर और जींद के खनौरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस और किसानों के बीच कई टकराव भी हो चुका है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। खनौरी बॉर्डर पर कथित तौर पर पुलिस की गोली से एक किसान की मौत हो गई। फिलहाल किसानों ने 6 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।